एक ऐसे नबी जिन्हें एक देव हैकल वेल ने निकल लिया। आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे? इस वीडियो में हम उस हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाकया कुरान मजीद में यूनुस और तौरेत में जोनाह के नाम से आया है। तारीख में आसूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक रखते थे, जो बख्ते नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबिल और इराक लाए गए थे। उस जमाने में दरियाए दजला के किनारे नीनुआ नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशोर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नीनुआ में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशोरिया के अजीमुशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नीनुआ शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से अशोरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरी गाहों का नजारा किया करता था। अशोर के मगरबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज और शादाब था। अशोरिया लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगमरमर के दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नीनुआ तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था। नेज ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। उस वक्त नीनुआ की आबादी 1,00,000 से ज्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का जमाना था। अल्लाह ने उस जमाने में उस कौम की हिदायत के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्न मता था। आप हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था। आप हजरत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। जब आपको नबुवत मिली उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफा भी नाजिल हुआ जो तौरेत में यूनाह के नाम से मौजूद है। हजरत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को आजाद करने का भी हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। नीनुआ का बादशाह आपकी बातें सुनकर गजबनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नीनुआ के अवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क को बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले नीनुआ ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग राह रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हजरत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। नेज हजरत यूनुस को धमकियां भी दी गईं कि अगर आपने अशूद्र देवता के खिलाफ कुछ कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हजरत यूनुस अपने कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ने हजरत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नीनुआ के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना की तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतजिर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तेफाक हुआ कि यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाबे इलाही का एक सया धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं।
दरअसल हजरत यूनुस अलैहि सलाम अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसार अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा व इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मुहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए, तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा न किया और उन्हें माफ कर दिया गया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हजरत यूनुस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समुंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम न हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग न किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह को मेरा नीनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद न आया और ये मेरी आजमाइश के आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहल कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुर्रा अंदाजी की गई और 3 मरतबा हजरत यूनुस का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हजरत यूनुस को दरिया में डाल दिया। उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी गजा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने हजरत यूनुस को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतजार किए बगैर और अल्लाह से इजाजत लिए बगैर उम्मत से नाराज होकर नीनवा से निकल आया। हजरत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुन्दर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हजरत यूनुस ये तस्बीह ना कहते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यूनुस ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगी। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज आ रही है, लेकिन कान उससे पहले इससे आशना जरूर है और आवाज बहुत ही कमजोर है। अल्लाह ने हजरत यूनुस की दर्द भरी आवाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा, नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। फरिश्ते ने कहा, ये वही यूनुस है जिसकी पाक अमल कबूल शुदा हर रोज तेरी तरफ चढ़ते थे, ऐ अल्लाह मुसीबत के वक्त उस पर रहम कर। तो उस वक्त अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समुन्दर के किनारे उगल दे। रिवायतों के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उस मछली के पेट में रहे और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने आपको समुन्दर के किनारे उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदा का पैदाशुदा बच्चा जिसका जिस्म नरम होता है और जिस्म पर बाल तक नहीं थे। गर्ज हजरत यूनुस बहुत ही कमजोर और नातवा हालत में खुशकी पर डाल दिए गए थे। इसके बाद अल्लाह ने समुन्दर के किनारे पर एक बेलदार दरख्त उगाया। रिवायतों के मुताबिक वो कद्दू का पौधा था जिसके जरिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया हो गया। इसके अलावा अल्लाह ने एक जंगली बकरी भेज दी जो जमीन की घास और जड़ी बूटियां खाती थी और सुबह व शाम आपको दूध पिलाती थी, यहाँ तक कि आप तंदुरुस्त हो गए। हजरत यूनुस दरख्त के उस साए में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उन्हें तलाश करती हुई एक दिन उस साहिल के किनारे पहुंच गई और उन्होंने आपको देख लिया। उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम की बैत कर ली और साथ ही अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा नीनवा चले गए और वहाँ रहकर अपनी कौम की रहनुमाई फरमाई।
हजरत यूनुस की जिंदगी नीनवा ही में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही हिदायत के मामले में अपनी जात पर भरोसा करना चाहिए। हिदायत तो बस अल्लाह ही की तरफ से है, हमारे जिम्मे बस पैगाम हक।